हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे नहीं पता लोगों के पास इतना कंटेंट कहाँ से आ जाता है कि रोज़ अलग अलग कंटेंट दे आते हैं, बट मेरे को तो ऑफिस के टाइम से और ये सब इतना सारा काम के टाइम से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कंटेंट बना सकूँ। बट आज मेरी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि वो होने वाली है मेरी सासू माँ के साथ। वो आपने वैष्णो देवी के ब्लॉग में उनसे मिल ही लिए हैं, और वो नारियल की चटनी ट्रस्ट में बहुत अच्छी बनाती है, और घर में मुझे ऐसा लगेगा कि आप पूरा बाहर खा के आ रहे हो। वो नारियल की चटनी बहुत टेस्टी बनाती है, तो देखिए नारियल की चटनी कैसे बनती है घर पे बहुत ही इजी मेथड से। चलते हैं अपनी सासू माँ के पास। बाय बाय। माँ ने सब रेडी कर दिया है, हमसे पूछते हैं आज वो क्या बना रहे हैं। हेलो सासू माँ, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम नारियल चटनी बना रहे हैं। उसके लिए हम क्या क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, ये हमने लिए चने दाल। चने दाल कितनी है हमारे पास? आगे सोना कटोरी ली है, ये हमने फुल कटोरी मूंगफली ली है। मूंगफली ली है, कच्ची मूंगफली है ना? कच्ची मूंगफली ली है, ठीक है। ये हमने नारियल लिया है, नारियल हमने काट लिया है, ताजा नारियल लिया है, काट लिया है। ये हमने तड़के का सामान लिया है, तड़के का सामान। ये हींग है, ये नमक है, ये है नमक और हींग और मिर्च, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे? अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे। अभी हमें अच्छा, फिर हम दाल भी फ्राई करेंगे हल्का सा, ठीक है। हम इसको अलग अलग फ्राई करेंगे, एक साथ फ्राई करेंगे? हम इसे अलग अलग फ्राई करेंगे। अच्छा, पहले हम मूंगफली फ्राई करेंगे, फिर हम दाल फ्राई करेंगे। डन। पहले तो हम करते हैं फ्राई। ये देखो हमारे, अगर ये तेल डालते तो ये उतरती नहीं, तो हमने ये सूखी भुनी है कि हमारा ये छिलका निकल जाएगा आराम से। अगर ये छिलके के साथ रहेगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और ये पिसेगी नहीं, ये लाल लगेगी। अभी हमें ये सूखी फ्राई कर रहे हैं कि इसका छिलका उतर जाएगा आराम से, उसके बाद हम ये दाल फ्राई करेंगे। हम ये कर रहे हैं चने दाल को फ्राई। कितने मिनट करेंगे? हम 3 मिनट करेंगे। 3 मिनट करेंगे, ठीक है। वो हमने ये हमारे हो गए हैं, और इसमें हमने कितना टाइम लगाया? 3 मिनट लगाया। 3 मिनट बस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में ही दोनों फ्राई करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम पीसेंगे मूंगफलियाँ। इसका छिलके उतर गए हैं, एक दो छिलके रह भी गए तो कोई बात नहीं, इसका टेस्ट नहीं आता। ये हम डाल रहे हैं चना दाल जो फ्राई कर चुके हैं। अब ये दोनों हमने ठंडी कर ली थी, हमेशा ठंडी करके पीसा करिए वरना वो चिपक जाएगी। उसको चेक कर लीजिए कि वो अच्छे से पीस गई है, कि पाउडर बन गया है कि नहीं बन गया है। इसको पूरा अच्छे से पाउडर बनाना है या फिर थोड़ा सा छोड़ना है? थोड़ा सा ठीक है, दरदरा सा करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा छोड़ देना है उसको। ये देख लेना, उसको कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी हो जाएगी तो उसको निकाल थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में पीस लीजिए। ये हमने पहले ग्राइंड कर लिया है, कस लिया है हमने गोला कि अच्छे से हो जाएगा। ये हमने गोला कस लिया और डाल दिया। अब इसको हम करेंगे मिक्सी में मिक्स कर लिया है, थोड़ा टाइट लग रहा था हमने तो हमने उसमें पानी मिक्स कर लिया। आप दूध भी डाल सकते हो, दही भी डाल सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं और ज़्यादा पानी पानी भी नहीं, तो ये चेक करते रहना। तीनों चीज़ हमने एक जगह पीस ली। हाँ, हमने ये तीनों चीज़ एक जगह पीस के इसको पेस्ट बना लिया है। और अब हम करेंगे इसको तड़का लगाएंगे। इसमें हमने राई और मिर्च रख ली है, हमने ये एक साथ डाल दिया राई और मिर्च। स्वाद अनुसार हींग भी डाल सकते हो अगर आपको डालना है तड़के में। राई मिर्च और हींग का तड़का लगा दो, थोड़ा ध्यान से लगाना क्योंकि ये चटक लगता है बहुत ज़्यादा। ये हमने तड़का डाल दिया, थोड़ी उसको काली भी कर सकते हो मिर्च अगर आपको काली करना हो, बट उसका टेस्ट हमें थोड़ा जला जला लगता है, इसलिए हमने नॉर्मल डाला है, ज़्यादा हमने काली नहीं करी है। अब इसमें हमने आधी चम्मच डाल दिया है सॉल्ट, और टेस्ट अनुसार हमें खट्टा चीज़ पसंद है तो हमने इसमें नींबू डाल दिया है। ये डाल दिया है हमने नींबू, और इससे क्या होता है ना, खट्टापन आ जाता है। वैसे अगर ना भी डालना हो तो आप दही डाल सकते हो, ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हो तो आप दही डाल सकते हो। तो हम ये स्पेशली यूपी स्टाइल की बना रहे हैं, तो हमने इसमें अपने नींबू डाल दिया है। वैसे लोग कड़ी पत्ता भी डालते हैं, पर हमें वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कड़ी पत्ता मुँह में आता है, तो हमें वो नॉर्मली कड़ी पत्ता नहीं डाला है। और ये बन के हमारी रेडी हो चुकी है नारियल चटनी। इसको आप घर पे किसी के साथ भी खा सकते हो, रोटी पराठे, डोसा, इडली।
हमने खाया डोसा, उसके साथ ये चटनी बहुत टेस्टी थी, सामान हमने बाहर से मंगवा लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।